लोकल टीवी न्यूज 24/7 सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। मैं हूं आपके साथ कुमार विक्रम। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। बाले यादव हत्याकांड में दो अपराधी गिरफ्तार, पैसे के लेन देन वो पुरानी दुश्मनी में हुई थी बाले यादव की हत्या। भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मी होटल के पास NH 31 के किनारे 2 जनवरी को अपराधियों द्वारा खरीक थाना क्षेत्र के तुलसीपुर वर्तमान पता घोगा थाना क्षेत्र के फुलकिया निवासी बाले यादव हत्याकांड मामले में 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में इस्लामपुर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर निवासी सौरभ कुमार एवं अमित कुमार शामिल है। दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस ने इस्लामपुर थाना क्षेत्र स्थित उसके घर से की है। इस दौरान पुलिस ने 2 मोबाइल फोन को भी बरामद किया है। दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बाले यादव हत्याकांड का उद्भेदन कर दिया है। नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि बाले यादव की हत्या पैसे के लेन देन और पुरानी दुश्मनी को लेकर की गई थी। हत्याकांड को अंजाम देने में घटनास्थल पर 4 अपराधी शामिल थे, जिसमें 2 अपराधी सौरभ कुमार एवं अमित कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। SP ने कहा कि 2 जनवरी को बाले यादव की हत्या के बाद SDPO दिलीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया था। पुलिस टीम द्वारा लगातार हत्याकांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी एवं कांड के उद्भेदन को लेकर कार्य किया जा रहा था। कांड के अनुसंधान के क्रम में अपराधियों की पहचान की गई थी। SP ने कहा कि घटना में इस्लामपुर के एक अपराधी गुलशन कुमार भी शामिल थे, जिसे पूर्व में सबौर थाना क्षेत्र में लूट कांड मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार दोनों अपराधियों ने घटना में अपनी संलिप्तता की बात को स्वीकार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में दोनों अपराधियों ने बताया कि अपने दोस्त गुलशन कुमार के साथ मिलकर बाले यादव की हत्या की थी। बाले यादव और उन लोगों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद था और पुरानी दुश्मनी भी थे। इसको लेकर उसे हम लोगों ने बुलाया और खिला पिला कर उसकी गोली मार कर हत्या कर दी। घटना में शामिल एक अपराधी जो अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। SP ने कहा कि हत्याकांड की घटना के बाद मृतक के भाई कैलाश यादव के द्वारा नवगछिया थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस इस बिंदु पर भी जाँच कर रही है कि नामजद अपराधियों की घटना में किस तरह की संलिप्तता है। SP ने कहा कि गिरफ्तार सौरभ यादव अपराधी छवि का है, इनके ऊपर कई आपराधिक मामले भी दर्ज है। भागलपुर से विवेक कुमार की रिपोर्ट। पूछेगा कोरोना इस मैलपुर वाले में बोल रहे हैं। नहीं, कोरोना